आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज का जो पेपर हुआ है हमारा हिस्ट्री का, इसके कुछ क्वेश्चन जो हमें लगते हैं सही हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन जो हैं शायद मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन हार्ड आए हैं और बाकी जो आगे के क्वेश्चन हैं वो हार्ड नहीं है, वो क्वेश्चन आसान है लेकिन कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के पूछी गई है। बाकी मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें मैं कुछ आंसर में श्योर नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं उसके आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे खुद सर्च करके बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसके लेखक का नाम बताइए। तो भाई अभी तक मुझे ये भी नहीं पता है कि ये किस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर मैंने एनसीईआरटी वगैरह में सर्च नहीं किया है। अगर आपने आपको पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता दो और ये भी बता दीजिए कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के किस पेज पे है, ताकि जो बाकी स्टूडेंट होंगे वो उसको क्रॉस चेक कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें। प्रशस्ति और शिलालेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रशस्ति का अर्थ होता है कि किसी की तारीफ में कुछ लिखना, तो जैसे समुद्रगुप्त के कुछ प्रशस्ति मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त की खूब तारीफ की गई है, ठीक है, तो प्रशस्ति जो होती थी वो किसी सम्राट के तारीफ में लिखी जाती थी, उसमें मतलब जो भी लिखा जाएगा वो सम्राट की उपलब्धियां उसकी तारीफ लिखी जाएगी। लेकिन शिलालेख जो होते हैं, शिलालेख जो होते हैं वो पत्थरों पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि शिलालेख में कोई तारीफ ही लिखी हो, शिलालेख में कोई जानकारी भी लिखी हो सकती है, जैसे कि मान लो कुछ उपदेश लिखे हो सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन जानकारी लिखी होती है, जैसे मान लो कोई इमारत बनाई गई है तो उस इमारत के वहां पे एक शिलालेख लगा दिया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा भाई सन इतने से इतने में के बीच इस इमारत का निर्माण इस शासक ने करवाया है, ये है वो है, पूरी उसकी जो भी स्टोरी होगी वो लिखी जा सकती है। लेकिन प्रशस्ति स्पेशल जो होता है वो केवल और केवल तारीफ के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की भरण पोषण नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। हड़प्पा जो है इसकी भरण पोषण की नीति आप ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि पुरातत्वविद जले अनाज के दानों तथा बीज की खोज से आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे। अगला है प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञों ने हड़प्पा स्थलों से अनाज के दाने जैसे मोटे अनाज जौ आदि पाए, पुरातत्वविद के अनुसार पशु पाले जाते थे। तीन ऑप्शन है आपके सामने, तो भाई इसके ना तीनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए, क्योंकि उनको जो बीज वगैरह जो थी ये जानकारी प्राप्त हुई है, अनाज के दाने मिले हैं जैसे कि इसमें बात कर रहे हैं ये, ठीक है, मोटे अनाज जैसे जौ की बात कर रहे हैं, और पशु भी पाले जाते थे ये भी पता लगा क्योंकि वहां के लोग जो मांस वगैरह भी खाते थे। तो मेरे अनुसार इसके तीनों ऑप्शन सही होने चाहिए, ठीक है, आपने जो भी लगाया है। बाकी कई बार ऐसा हो जाता है सीबीएसई की तरफ से क्या आंसर आएगा वो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन इसका आंसर अभी तक जो मिल रही है जानकारी मैंने देखा है इसके ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मूर्ति है और ये कौन से चैप्टर से, ये आपके चैप्टर फर्स्ट से ही होगी, ठीक है, ध्यान से एक बार इसे देख लो। और ये क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 4 के स्थान पे दिया हुआ है, हालांकि मैं फिर भी आपको बताते हुए चलूंगा जो जो आंसर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। चैप्टर फर्स्ट से है, मातृ देवी वगैरह जो आपको वहां पे मिला था उस वाले पेज पे से एनसीईआरटी में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, कहते हैं कि हड़प्पाई लिपि जो है वह रहस्यमयी क्यों है, उसको रहस्यमयी क्यों कहा जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही की पहचान करो। ये चित्रात्मक और समरूप थी, समरूप छोड़ो सबसे पहले चित्रात्मक जो बात कर रहे हैं चित्रात्मक तक तो सही है, लेकिन अगली जो स्टेटमेंट है पहले उसे पढ़ो, कह रहे हैं कि ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी जबकि ये गलत है। तो दूसरा इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसको काटते हुए चलते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं है। अगला है कि ये लिखने की सामान्य दशा को दर्शाती है, ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट पॉइंट होना चाहिए जो सही की बात कर रहे हैं उसका यही होना चाहिए कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं है, ठीक है। बाकी और भी आंसर हो सकता है इसका, कोई समरूप शायद, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, समरूप का मतलब होता है एक ही रूप का, तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया यहाँ पे समरूप, तो यही होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि ये जो चौथी बीसी सदी में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया गया था। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, छठी और चौथी बीसी सदियों के बीच मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली महाजनपद का नाम बताइए। तो महाजनपद जो था शक्तिशाली वो मगध था,
या आपने पढ़ा होगा वहां पे। और अगर मगध की राजधानी की बात करें तो पहले राजगृह थी, ठीक है, राजगृह से इसको क्या करा गया था, शिफ्ट कर दिया गया था, बाद में पाटलिपुत्र हुआ था जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है। तो आसान दोनों है, अब आपने कौन सा करा है ये आपको पता होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप क्या करो, एक बार एनसीईआरटी में जाके चैप्टर पढ़ लेना, वहाँ पे बॉक्स वगैरह देख लेना, वहाँ पे आपको आंसर पता लगेगा। लेकिन एक काम करो, आप इसको देख लो मोटा मोटा, मैं आपको बता रहा हूँ कहने पे, वरना मैं सॉल्यूशन नहीं बनाता, क्योंकि 2 दिन का गैप बचा हुआ है और अगले पेपर की तैयारी करनी है। 8वें पे आ जाओ एक बार। अलबरूनी का संबंध तंजियर से था और उसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी। यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि कथन को सही करके लिखिए, तो अलबरूनी का संबंध जो था आपको बताया हुआ है कि अलबरूनी का संबंध जैसे कि ई बुक में भी दे रखा था उज्बेकिस्तान, ठीक है, वहां से संबंधित है ये, तो आपको ये यहाँ पे पता लग जाएगा तंजियर यहाँ पे कट है। लेकिन अगला क्वेश्चन ऑप्शन में एक और दिया हुआ है, इसमें भी कुछ गलती है, उसमें आपको एक चीज ध्यान से समझनी है कि क्या गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न जुजई की विद्वता से प्रभावित था और उसे दिल्ली का काजी बनाया था, तो इब्न जुजई की जगह क्या आएगा, इब्न बतूता था वो, ठीक है। तो दोनों ही वैसे आसान है, अब आपने यहाँ पे क्या लगाया ये आपको पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन तो भाई सच में मुश्किल आए, और ऐसा ही पेपर आया है जैसा आपका प्री बोर्ड में आया था, प्री बोर्ड में भी आप लगभग लगभग वैसे ही मान लो मोटा मोटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि इनका आपस में मिलान करिए, तो एक बार देखिए आप यहाँ पे क्या लगा के। तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे पहले आपको वो लगाना है जो आपको आसान अच्छे से आता हो, दुआरते बरबोसा, तो ये इसका क्या है, तीसरे का मैंने मिला दिया डी। अब आप देखो तीसरे का डी किधर है, तीसरे का डी एक में ही चल रहा है, यानी कि ए में चल रहा है। चलो आप और कंफर्म कर लेते हैं, ये जो तैवर्नियर है ये फ्रांस से संबंधित है, तो मैं यहाँ पे दूसरे का मिला देता हूँ सी। क्या दूसरे का यहाँ पे सी दिखा रहा है, यस, ठीक है, तो इतने में ही आप कंफर्म कर दोगे, ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि अब्दुल रजाक समरकंद से हो जाएगा, तो यहाँ पे ठीक हो गया हमारा। अब आपने क्या लगाया, आप अपना आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों को व्यापक सु अवसर से भरपूर पाया, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कारण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर में सबसे पहला ऑप्शन ही आपको सही मिलेगा कि बाजार जो थे यहाँ पे बड़े थे, आबादी वाला होता था, मतलब घनी आबादी थी, बाजार और संचार व्यवस्था ये सब कुछ उत्तम थी, तो आपका यही हो जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से किसने एशियाई उत्पादन शैली के विचार को विकसित किया, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो कंफर्म नहीं है पर शायद मार्क्स हो सकता है इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अलवारों के मुख्य जो काव्य संकलन था उसका नाम लिखिए जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया गया है, तो इसका नाम देखिए ये है नल इरा द्विप्रबंधम। यह अलवार संतों का एक काव्य संकलन था, तमिल वेद के रूप में किया गया था और इसको संस्कृत के जो चारों वेद थे उसके बराबर बताया गया था। अगला क्वेश्चन है पद्मावत के रचयिता, तो आपको एमसीक्यू वाले में भी कराया हुआ है, ये मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि कबीर की बानियां कबीर बीजक कबीर ग्रंथावली इसमें संकलित है, तो इसका आंसर होना चाहिए आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है। अगला है कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो ये जो रैदास थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाली वीडियो में से हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत मामूली से, कुछ आपके ईबुक से हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है कई सारे उसमें से एपिसोड में से भी हैं और कई क्वेश्चन आपके ईबुक से हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी घुमा रखी है, मैं आपको बताऊंगा आगे, आपको पता लग जाएगा। ये कह रहे हैं कि दिए गए प्रवाह चार्ट का अध्ययन करो, भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई जो राजस्व प्रणाली थी उसका नाम ज्ञात करो। देखो सबसे ऊपर है कंपनी, कंपनी टैक्स ले रही है किससे, जमींदार से, जमींदार को टैक्स दे रहे हैं रैयत किसान, और तो कुछ इस तरीके से है, तो ये जोतदार वाला जो चैप्टर है। तो अब इसमें आप देखो आपको याद होगा तो उसमें जो टैक्स वाली व्यवस्था थी दो तरह की बातें की गई थी, एक तो वो वाली थी रैयत वाली व्यवस्था जिसमें कि टैक्स जो था डायरेक्ट किसान से ही लिया जाता था, ठीक है, बीच में जमींदार वगैरह नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे अगर बीच में जमींदार दिख रहा है तो ये
स्थाई बंदोबस्त हो सकता है, ठीक है, स्थाई बंदोबस्त जो था, या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त जो कहते हैं वो हो सकता है। क्वेश्चन 17 है कि उस अर्थशास्त्री की पहचान कीजिए जिसके विचारों के अनुसार ब्रिटिश अधिकारी 1820 के दशक में महाराष्ट्र में कार्य करने लगे। तो इसका आंसर होना चाहिए डेविड रिकार्डो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। निम्नलिखित जानकारी के सही जोड़े को ज्ञात कीजिए। 1510 में पणजी में पुर्तगाली, 1605 में मछलीपट्टनम में डच, 1673 में पांडिचेरी में फ्रांसीसी। तो इसके ऑप्शन जो हैं वो तीनों ही ठीक है। 1510 में पणजी में पुर्तगाली आ चुके थे, 1605 में डच आ चुके थे, और 1673 में फ्रांसीसी आ चुके थे। तो इसमें एक बार देखो, ऑप्शन है 1, 2, 3, तीनों ही आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और आर दिए गए हैं। अब इसको देखो एक बार। ए कह रहा है कि हिल स्टेशन पर्वतीय सैरगाह औपनिवेशिक शहरी विकास की एक विशिष्ट विशेषता थी। कारण कह रहा है कि हिल स्टेशनों में अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों ने अपने घर जैसी बस्तियां बसाना चाहा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका मुझे यही लग रहा है, ठीक है, दोनों ही सही है और सही व्याख्या करता है बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अपने काल में कलकत्ता के नगर नियोजन का कार्य किया? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता, देखिए कलकत्ता के नगर नियोजन का कार्य किया? इसका आंसर होना चाहिए लॉर्ड वेलेजली। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन किए हैं भाई, जितना मुझे लग रहा था मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया है। हो सकता है शायद उसमें से कोई क्वेश्चन गलत भी हो, पर आंसर की आने के बाद ही कंफर्म हो पाएंगी सारी चीजें। लेकिन आपका ये जो एमसीक्यू वाला पोर्शन था ये हार्ड था, बिल्कुल कह सकते हैं, और आगे के क्वेश्चन जो है वो आपको हार्ड नहीं, अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब चलते हैं आगे के प्रश्न पे। एक बार ये क्वेश्चन देखिए, 21वां, कह रहे हैं कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमा होती है, उपयुक्त तर्कों सहित बताइए। अभिलेखों से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसकी कुछ सीमाएं होती है। यस बिल्कुल होती हैं। कैसे होती हैं आप बता सकते हो कि अभिलेख जो है हमें वो पूरी तरीके से अच्छी हालत में नहीं मिले हैं, ठीक है। अभिलेख जो पाए गए हैं अगर उसे जानकारी ली जाए तो कई भाई उसमें वर्ड वगैरह अच्छे से नहीं दिखते हैं, टूटे फूटे भी मिलते हैं, जानकारी नहीं मिल पाती है। और अभिलेख को लिखवाता कौन था? कोई राजा या कोई शासक लिखवाता होगा, तो कुछ ना कुछ उसके विचारों से प्रभावित ही अभिलेख होते होंगे, यानी कि वो महल के बारे में, शासक के बारे में, प्रशासन के बारे में जानकारी देंगे। और वो भी किसके नजरिया होगा? राजा का नजरिया, शासक का नजरिया होगा। लेकिन आम लोगों के बारे में, किसानों के बारे में, इन सभी के बारे में वहां पे जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट इसमें बनेंगे, कोई सा भी पॉइंट आप बना सकते थे, क्योंकि 3 ही नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा आपको आंसर यहाँ पे नहीं लिखना था। चलते हैं 22 की तरफ। कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा की विशेषता बताएं। ये भी आपको कराया हुआ है, और विशेषता आप आगे मैंने आपको स्लाइड लगा रखी है वहां पे बता सकते हैं, ठीक है। आपको पता है वो 10 दिन का वो जो हिंदू त्योहार था मनाया जाता था, और वहां पे नवरात्रि वगैरह जो होती थी, ठीक है, विशालकाय मंच था, शासक वहां पर आते थे। तो इस तरीके की जो बातें थी वो सारी आपको यहाँ पे लिखनी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के बीच गांधी जी ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अपना दृढ़ विश्वास था। आपको पता है उस समय क्या हुआ था? हिंसा हो रही थी, तो ऐसे में जो गांधी जी थे वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए विश्वास रख रहे थे, मतलब उनको विश्वास था कि ये जो दंगे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो वो उस टाइम पे जश्न नहीं मना रहे थे आजादी का, दंगों को शांत करने के लिए कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली, कभी कहीं, मतलब लोगों को ये कह रहे थे कि शांति का संदेश दे रहे थे कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। इस तरीके की पॉइंट आएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 1856 में अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा क्यों किया? किस बहाने को लेकर कब्जा किया? बहाना आपको पता है कि वो कह रहे थे कि वहां के जो शासक थे, वो जो शासक थे वो अच्छे से वहां पे शासन नहीं चला पा रहे थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने वहां पे कब्जा करा। तो आप बता सकते हो कि अवध पे कब्जा इसलिए किया था क्योंकि अवध जो थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत रही है, और किसके तहत हुआ था? डलहौजी वगैरह के जो काल में जो भी समय था, आप वहां पे ये भी लिख सकते थे छोटा मोटा, आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना था। अगला क्वेश्चन है ये आपके
8 नंबर के क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सांची स्तूप किस प्रकार की संरक्षण नीति की सफलता से के जीते जागते उदाहरण है। आपको पता है कि सांची का स्तूप जो था वो बचा रहा, उसकी जो तोरण द्वार वगैरह थे, लेकिन जो अमरावती का स्तूप था वो नष्ट हो गया। इसलिए क्योंकि भाई इसमें बहुत सतर्कता दिखाई, वहां की जो बेगम थी जो आपने पढ़ा था, उन्होंने क्या करा था कि वो जो यूरोपीय थे उनको पसंद आ गया था उसका तोरण द्वार वगैरह, वो ले जाना चाह रहे थे वहां से, तो उन्होंने क्या करा था उसका नकली बनवा दिया था सेम वैसा ही, और उनको उसी से सेटिस्फाई कर दिया, उन्हें लगा भाई असली है, वो ले गए उसे और खुश भी थे। इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब उनकी सतर्कता से वो बचा रहा। आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे देने थे, और अमरावती का आप बता सकते हो कि भाई अमरावती का नहीं बचा पाए, ऐसी सतर्कता वहां नहीं हुई, जो भी पत्थर वत्थर मिले जो भी आया वो उसको वो पत्थर ले जाते गए, इस तरीके से वो खत्म हो गया। तो अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है तो चैप्टर की वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डीपली डिस्कस किया था, और कई सारे क्वेश्चन एपिसोड से हैं, कई सारे ई बुक से भी है, मैंने लास्ट में स्लाइड लगाई है, मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा। लेकिन ये सेट वन है शायद, किसी का सेट टू है, तो उसमें भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन चेंज है खाली, मैंने दोनों क्वेश्चनों को सेट को देखा है तो लगभग लगभग सेम ही था सारा। एक करना था आपको दो में से कोई। आगे देखिए, अकबरनामा की मुख्य विशेषता बताओ, तो आप बता सकते थे भाई अकबरनामा जो था दरबार में किसके द्वारा लिखा गया था। सबसे पहले आप उस राइटर का नाम लिख देते वहां, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अबुल फजल, और ये आगे जो भी है अकबरनामा वाला क्वेश्चन लिखा हुआ था कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, 3 जिल्दों में विभाजित था, प्रथम दो इतिहास बताती है, तीसरी जिल्द आईन अकबरी बताती है, ठीक है, प्रथम में ये है, दूसरी में जिल्द में ये बताया गया है, फिर ये पूरी मतलब ये आपका डिक्टो क्वेश्चन उसमें था ई बुक के अंदर, वहां पे विस्तार से बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते थे। और इसके दूसरा 27वां क्वेश्चन देखो, संविधान सभा के गठन करने में कांग्रेस पार्टी की भूमिका, और यहीं पे आपको जो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन में, तो आपको अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने ये बताया था पृथक निर्वाचिका के बारे में, वहां पे अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग मतलब व्यक्त मतलब अपनी जो इच्छाएं थी वो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की थी, सारा बताया हुआ है, यही वहीं से आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे कर सकते थे। तो अगर 8 नंबर और 4 नंबर सॉरी 3 नंबर के क्वेश्चन देखें तो थोड़े से क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई है, पर इसे हम टफ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम 1 नंबर की बात करें, एमसीक्यू की बात करें, तो वहां पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन काफी टफ है जो कि कर पाना मुश्किल था। और ये देखिए आप यहाँ पे, और ये पैसेज वगैरह नहीं देखेंगे अब यहाँ पे, हम मैप एक बार देख लो आप, मैप जो है काफी आसान आया हुआ है, अगर आपने मैप की वीडियो देखी थी तो मैप वहीं से आ रखे हैं सारे, ये ग्वालियर ग्वालियर भी आपको बताया हुआ है, आगरा भी बताया हुआ है, विजयनगर तो वैसे ही बहुत आसान है, दक्षिण भारत में आप लगा सकते थे, असहयोग आंदोलन वाला जो ये था चौरी चौरा, और अमृतसर, ठीक है, ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये वो क्वेश्चन है जो दूसरे सेट में आए हुए थे, एक दूसरा सेट है उसमें एक भाषा वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था, जो संविधान सभा में भाषा को लेकर कुछ बातें थी, लैंग्वेज घुमा रखी थी, पर उसका आंसर जो था ये हमने करा रखा था। और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था जो अभी महात्मा गांधी का सौहार्द वाला जो मैंने आपको बताया, ये भी ई बुक के अंदर है, पर वहां पे लैंग्वेज चेंज है, आप ऐसा आंसर लिख सकते थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आया हुआ है दूसरे सेट में, आपके इस सेट में नहीं है लेकिन दूसरे सेट में आया हुआ है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें दमन कैसे किया गया था, तो इसके भी पॉइंट लिखे हुए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन महानवमी डिब्बा का जो आपको अभी बताया है ये आपको लिखना था, और एक क्वेश्चन इस वाले सेट में शायद नहीं है, वो किलेबंदी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा सेट जो है उस सेट में किलेबंदी वाला क्वेश्चन आया, तो वो भी आपको अवेलेबल था ई बुक के अंदर, ये बस इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। आप यहाँ से देखोगे कि अब्दुल रज्जाक आया था, उसने देखा किलेबंदी देखी, फिर उसने किलेबंदी की व्याख्या कर दी पूरी, कि ऐसा था वैसा था, वो सारी की सारी आपको उसमें से आई थी, बस लैंग्वेज हल्की सी चेंज है। और सुलह उल एकुल शायद आपके इस वाले सेट में नहीं है, सेट वन में, पर ये दूसरे सेट के अंदर है, तो मैं जो जिन बच्चों का ये सेट नहीं था दूसरा सेट था उनके भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि लगभग लगभग ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से देखें तो भाई आज का पेपर जो है हमारा हो चुका है, अब अच्छा हुआ है बुरा हुआ है जैसा भी हुआ है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और अगले पेपर की तैयारी में लग जाओ। अगर हो सकता है कि आपके यहाँ पे कोई भी मतलब आपको इस वाले पेपर में थोड़ी दिक्कत आई हो तो इस दिक्कत को अगले पेपर में मत आने दो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाओ, और जल्दी से आपके एपिसोड जो हैं आगे के वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, 23-24 एपिसोड पहले से बने हुए हैं, आगे 2-4 दिन में जितना भी मतलब 2 दिन में हो जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, सारे एपिसोड जरूर जाके देख के जाना, फायदा आपको होगा।
अगर आपने हिस्ट्री के एपिसोड देखे होंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके लगभग लगभग वहां पे काफी सारे आपको कराए हुए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय